अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ब्रांड ब्रेन को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मनी मेकिंग और मोटिवेशनल वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। अभी सब्सक्राइब करें। हेलो ब्रांडेड, आई होप आप अपने लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। और आज हम आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि आप अपने दोस्तों को किस तरह से पहचान सकते हैं, कि उनमें कौन से दोस्त आपके सच्चे मित्र हैं और कौन झूठे मित्र हैं। और यहाँ पर हम चड़क नीति से ये सब बात जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ए ब्रांडेड जर्नी और हर चीज़ जानते हैं विश्वास के साथ में। टिप नंबर पहला, आचार्य चड़क इस विषय में एक श्लोक बोलते हैं, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राज द्वारे स्मशाने चा या तिष्ठति सा बांधवा। यानी कि आतुरे व्यसने बीमार होने पर, असमय शत्रु से घिर जाने पर, राज कार्य में सहायक रूप में तथा मृत्यु पर स्मशान भूमि में ले जाना वाला व्यक्ति ही आपका सच्चा मित्र यानी कि बंधु होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी पार्टी में लोगों को बुलाते हैं तो वहाँ पर आपके पास में 50 से 100 लोग होते हैं, वहीं जब आप बीमार होते हैं, किसी संकट में होते हैं, उस समय सिर्फ एक या दो लोग ही आपके साथ में होते हैं। तो ये जान लीजिए कि जो एक या दो लोग आपके साथ में उस समय हैं वही आपके सच्चे मित्र हैं और वही आपके परम मित्र हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा रहें। और सच्चे मित्र के ऊपर हमारा एक वीडियोस आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा वो वीडियो आपके लिए, जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए और कैसे आपके मित्र को पहचान सकते हैं आपको बताएगा। टिप नंबर दो, इस विषय में आचार्य चड़क मित्रों के चूज यानी कि मित्रों को पहचानने के विषय में आचार्य चड़क बोलते हैं, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिवादिनम वर्जेते हासम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। यानी कि परोक्षे कार्य हंतारम यानी कि पीछे आपके कार्य को असफल करने वाला, यानी कि जो व्यक्ति आपके पीछे आपकी चुगली करता है, बुराई करता है, काम बिगाड़ता है, और वहीं सामने प्रिय बोलने वाला मित्र मुख जो रहता है, जो मित्र रहता है, वो मित्र को मुख पर दूध में रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। यानी कि आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस तरह से किसी से आप जॉब में रहते हैं तो वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि लोग तो आपके सामने आके बुराई करते हैं लेकिन पीठ पीछे बॉस के सामने आके काफ़ी ज़्यादा बुराई करते हैं। ऐसे मित्र एक विष घड़े के समान होते हैं जिनके मुख पर दूध लगा है, आपको उनको त्याग देना चाहिए। टिप नंबर थ्री, आचार्य चड़क सच्चे मित्र के विषय में एक नया श्लोक बोलते हैं। आचार्य चड़क इस विषय में कहते हैं, विद्या मित्रम प्रवासेशु भार्य मित्रम गृहेशु चा व्यथितः असधम मित्रम धर्मो मित्रम मृत्यस्य च। यानी कि विद्या मित्र होती है प्रवासेशु यानी कि विदेश में जाने पर, जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, घर से बाहर होते हैं, उस समय विद्या ही आपका सच्चा मित्र होती है। जब आप घर में होते हैं उस समय आपकी पत्नी आपकी मित्र सच्ची मित्र होती है। और अगर कोई इंसान रोगी उसके लिए दवा और मृत्यु होने पर व्यक्ति का धर्म ही उसका मित्र होता है यानी धर्म ही उसका साथ देता है। यहाँ पर आचार्य चड़क ने चार चीज़ें बताई। आप जब भी पढ़ाई लिखाई करें तो उसको बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि जब भी बाहर जाएंगे आप अपनी जगह से हट कर कहीं जाएंगे उस समय आपका मित्र आप कॉपी विद्या ही होने वाली है। अपने जीवन साथी को बहुत ही अच्छे से सावधानी पूर्वक चूज करें और अपने सेहत का ध्यान रखें। आप ऐसा काम करें कि आपको कम से कम दवा लेना पड़े और आप सेहत आपका एक अच्छा मित्र होता है, इसलिए उसका ध्यान रखना जरूरी है। और आप अच्छे कर्म करें, धर्म का काम करें ताकि जब आप मर जाएं उस समय लोग आपको यहाँ पर आपके काम आपके अच्छे कर्मों के द्वारा जाने और आपको समझें। टिप नंबर चार, आचार्य चड़क इस विषय में कहते हैं कि सच्चा मित्र आपका किस तरह से होना चाहिए। इस विषय में वो एक नए श्लोक बोलते हैं, यस्यार्थः तस्य मित्राणि यस्यार्थः तस्य बांधवा यस्यार्थः स पुमालोके यस्यार्थः स च पंडिता। यानी कि इस विषय में आचार्य चड़क बहुत ही ऐसे बात बोल रहे हैं जो आप सब जानते हैं, बट बहुत ही दुखी वाली बात है ये चीज़ कि जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है लोग स्वतः ही उसके मित्र बन जाते हैं। आपने चीज़ ध्यान रखा होगा, देखा होगा, जिसके पास पैसा जो अमीर है उसके काफ़ी दोस्त हैं। और आप खुद अपने से पूछिए कि आप किस तरह के इंसान को अपना दोस्त बनाना चाहेंगे, तो आपको खुद उत्तर मिलेगा कि आप चाहेंगे कि जो इंसान कुछ पैसे वाला, जो आपके साथ है यानी कि बराबरी पैसे वाला, वही आपका मित्र हो, गरीब आदमी का मित्र ना हो। तो ये जो चीज़ है लोगों के अंदर जो भावना है कि अमीर व्यक्ति उसका मित्र होना चाहिए, ये बहुत ही दुखद है, बट ऐसी चीज़ लोगों के अंदर पाई जाती है।
इसलिए आप अपने को यानी कि अपनी वेल्थ को, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए, खुद को आप मेंटेन रखिए, खुद पे खर्चा करिए। और जब आप आगे बढ़ चुके होंगे, जब आप पैसे वाले अमीर बन जाएंगे, उस समय आपके मित्र वो सब बन जाएंगे जो आप आज जो आपसे बात भी नहीं करते, वही आपके कल मित्र बन चुके होंगे। इसलिए अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। इस तरह से चाणक्य नीति के थ्रू आपने जाना कि मित्र एक्चुअल में सच्चे मित्र कौन कौन होते हैं और मित्र किस तरह से बनते हैं और मित्र के पीछे क्या साइकोलॉजी है, वो आपने जाना। और मुझे विश्वास है कि इन बातों को अपनी लाइफ में ज़रूर से अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी ऐसी चीज़ जान करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। और हमारी वीडियोस को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। हमारी वीडियोस देखने के लिए, हमको इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।